Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. We are going to discuss to translate the question answers of Russell. Science and values in modern essays in BA. Now, I have the notes. These are the notes on modern essays, acute notes on modern essays by me, lecturer M.K. Bhutta, and these notes are available in Alibaba photocopy shop in Avantown, Multan Road, Lahore, and Awab photocopy shop. Now, the page number of these notes is 25. Question number 1. Evolution from agriculture to industry was positive and progressive. यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन रेज किया है कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलिज्म तक हमारा जो सफ़र है ये पॉजिटिव रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से जो मसाइल आए थे हमने इंडस्ट्रियलिज्म के सिस्टम में वो मसाइल हल कर लिए, हम बेहतरी की तरफ गए। एलाबरेट यानी कि वजाहत करें। या यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन उठाया, compare and contrast agriculture and industrial system as presented by Bertrand Russell in his Science and Values. बताइए agriculture system और industrialism system, industrialism के दरमियान में क्या difference है, इनको compare and contrast करें। Evolution from agriculture to industry was not only economic. Agriculture से industry की तरफ जब हम आए हैं तो सिर्फ economical कोई तब्दीली नहीं आई, बट ऑल्सो कल्चरल एंड पोलिटिकल, बल्कि सियासी तब्दीलियाँ भी आई हैं। कौन सी सियासी तब्दीली आई है? डेमोक्रेसी। डिस्कस आंसर। इन द अर्लीस्ट ह्यूमन सोसाइटीज, शुरू शुरू की इंसानी बस्तियों में, सोसाइटियों में, बिफोर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से पहले, लाइफ वॉज इन डेंजर, जिंदगी खतरे में थी। एग्रीकल्चर आने से पहले जिंदगी खतरे में थी। एंड डेथ फ्रॉम हंगर मस्ट हैव बीन फ्रीक्वेंट, और भूख से मौत बहुत ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंट बहतात में थी, कसरत में थी। एट दैट स्टेज मैन हैड द सेम मिक्सचर ऑफ मिजरी, उस वक्त एग्रीकल्चर सिस्टम आने से पहले इंसान की जिंदगी ऐसे ही दुखों का मलगूबा थी, दुखों का ऐसा ही मिक्सचर थी, एंड केयर फ्री इन्जॉयमेंट्स, और ऐसे ही बेफिक्री की इन्जॉयमेंट्स थी उसके पास, यानी कि इंसान के पास दुख भी थे और केयर फ्री इन्जॉयमेंट्स थी, यानी कि बगैर बेफिक्री वाली इन्जॉयमेंट्स। बेफिक्री वाली इन्जॉयमेंट्स कौन सी होती हैं? दूसरे का सर फाड़ दिया, दूसरे को बट्टा मार दिया, तीर मार दिया, मार गिराया, कत्ल कर दिया, ज्यादती की, बाजू काट लिया, ये सारी बेफिक्री वाली इन्जॉयमेंट्स है ना। हाँ, ये इसमें भी इंसान, मैंने कल कहा था कि दो दांत वहशत वाले हैं, तो ये बेफिक्री वाली इन्जॉयमेंट्स है ना। आज भी लोग रास्ते में जाते हुए दूसरे लोगों को छेड़ते नहीं हैं, तो ये बेफिक्री वाली इन्जॉयमेंट्स है ना। तो एग्रीकल्चर सिस्टम आने से पहले इंसान की जिंदगी मिक्सचर थी, किस चीज़ का? बेफिक्री वाली इन्जॉयमेंट्स का और दुखों का। कैसे? लाइक एनिमल्स, जिस तरह आज जानवरों की जिंदगी है। रसल कहता है एग्रीकल्चर सिस्टम आने से पहले इंसानों की जिंदगी ऐसी थी जैसे आज हमने जानवरों की जिंदगी को बना रखा है। एप्टो क्लेप्टो मूवी किसने देखी है? आपने देखी है, आपने देखी है, आपने देखी है। क्या कंसेप्ट है? कि शहर में रहने वालों के पास ये हक हासिल है कि वो अपने देवता की बलि के लिए देहात में से लोग पकड़ाएं और फिर शहर में आकर उसको रंग रोगन करके उनको बलि चढ़ा दें, उनकी गर्दनें काट कर ऊपर से नीचे गिराएं, उनके सरों को और उनके दिलों को फाड़ कर उसको अंगारों पर रखकर उसको सुखाएं और पर कलमात पढ़ें ताकि देवा देवी देवता खुश हो जाए। सिस्टम है ये। क्यों? वो कहते हैं कि शहर के लोग समझदार होते हैं, ये जंगलों में जो लोग रहते हैं ये तो भोले भाले होते हैं, इनको तो पता नहीं होता। देवता ने इनको जंगलों में भोला भाला रखा इसलिए हुआ है ताकि हम इसे बलि चढ़ा सकें,
अपने खेतों में काट के रख सकते हैं, डाल सकें। तो आज हमने जानवरों की जिंदगी को ऐसे बना रखा है, सारे क्रिश्चियंस सुअर काट के खा जाते हैं। तो कह रहे किस लिए? बोले हमारे लिए, हमने खाना इनको, तो खा जाते हैं सारे क्रिश्चियन, ठीक है। और वो कहते हैं हमारे लिए, इसीलिए उस वक्त भी जस्टिफाई था। जिस तरह आज हमने एनिमल्स की जिंदगी को बना रखा है, उस वक्त भी ऐसा था। सोचें कितना बड़ा मगरमच्छ होता है, और मैं कहता हूँ कम से कम इस कूलर जितना तो उसका दिमाग होता होगा, या हाथी का दिमाग इस कूलर जितना तो होता होगा, या वो जो दरियाई घोड़ा होता है, ठीक है, कमरे जितना तो उसका मुंह होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये दिमाग काम करना शुरू कर दे तो मुझे लगे कि किसी दिन वो डंडे उठाकर और गोलियां बंदूकें उठाकर हमारे पीछे और हम आगे भाग रहे हों। कितने बड़े उनके दिमाग हैं, काम नहीं करते। कौन? जबरदस्ती पकड़ जाते थे। तो वो भोले होते थे ना, उनको फिर मिथ खिलाई जाती थी, मिथ की गोलियां देते थे कि जी देवी है, देवता है, उन्होंने आप पर लाजिम किया हुआ है। जैसे कि क्रिश्चियन जो है बकरे को पकड़कर उसकी बलि दे देते हैं, मुझे आपका नहीं पता, बकरे को पकड़कर उसकी बलि दे देते हैं क्रिश्चियन, ठीक है। और बकरा चीख नहीं रहा होता, रो नहीं रहा होता, भाग नहीं रहा होता, और रो रहा होता है, भाग रहा होता है, सारी रात वो बांके मार रहा होता है, और लोग कह रहे होते हैं क्रिश्चियन कि जी ये तो आवाज़ें दे रहा है कि मैं जल्दी करो, मुझे काटो। उसी वक्त इंसान भी ऐसे था, बस ऐसे ही कुछ था सिस्टम। तो ये बलि का सिस्टम सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये अजल से आया है। ये ग्रीक्स के अंदर पहले पहले था, पहले पहले वो बलियां देते थे, फिर उसके बाद रोमन्स, फिर एक क्रिश्चियन, तमाम मतलब हर मजहब ने बलि थी। ये जी बेटा, क्रिश्चियन भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं बलि। जब अवेयरनेस नहीं होती तो बलि जी। चले आगे, तवज्जो करें। एग्रीकल्चर वॉज अ सेक्रीफाइस एडवांस, साइंटिफिक एडवांस। एग्रीकल्चर साइंटिफिक एडवांस थी, बट इट गेव बर्थ टू स्लेवरी, लेकिन इसने गुलामी को पैदा किया, एंड सर्फडम मजारा गिरी को पैदा किया, ह्यूमन सेक्रीफाइस को पैदा किया। इसने किसने? क्रूअल रूल एंड लॉज वॉर्स, क्रूअल रूल्स और बड़ी बड़ी जंगों ने जन्म लिया। इंस्टेड ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, का स्टैंडर्ड बेहतर होने की बजाय, एक्सेप्ट फॉर अ टाइनी गवर्निंग मिनॉरिटी, मुख्तसर सी महदूद तादाद जो कि हुकूमत हुक्मरान तबके की थी, सिवाय उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होने के अलावा, उनके सिवा, इट मेरली इंक्रीज द पॉपुलेशन, बाकी सारी सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हुआ है तो सिर्फ अमीर तबके का, हुक्मरान तबके का हुआ है। ऑन द होल इट प्रोबेबली इंक्रीज द सम ऑफ ह्यूमन मिजरी, और ओवरऑल देखा जाए तो इंसानी दुखों में इजाफा हुआ है। प्रोबेबली तकरीबन, शायद। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इंडस्ट्रियलिज्म मे टेक द सेम कोर्स, ये अजब नहीं है, ये नामुमकिन बात नहीं है कि इंडस्ट्रियलिज्म भी ऐसे ही रास्ते की तरफ चल देती, वो भी ऐसा ही रास्ता अख्तियार करती जैसा रास्ता एग्रीकल्चर सिस्टम ने अख्तियार किया है। फॉर्चुनेटली हाउएवर देयर इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये किस्मत की बात है कि हमारे पास साथ ही डेमोक्रेसी की ग्रोथ हो गई, एंड साइंस विद द लॉ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, और साइंस की भी साथ साथ ग्रोथ हुई, सॉरी साइंस भी आगे बढ़ी इंडस्ट्रियलिज्म के साथ साथ, यानी कि इंडस्ट्रियलिज्म के साथ दो चीज़ें और बढ़ी हैं, एक तो साइंस का इस्तेमाल और दूसरा डेमोक्रेसी। If industrialism like agriculture gave birth the evils of slavery and serfdom, अगर industrialism agriculture system की तरह वो भी गुलामी को पैदा करती है, serfdom मजारा गिरी को पैदा करती है, human sacrifice को पैदा करती है,
क्रूअल रूल और लॉज वॉर्स को पैदा करती है, देन इक्वली डेमोक्रेसी एंड साइंस विल क्योर इट। तो साथ ही साथ साइंस और डेमोक्रेसी इसका क्योर करती है, इसका इलाज करती है। एंड दिस ऑल विल बी डन विद द वाइज यूज ऑफ साइंस, और ये सब कुछ हो सकता है साइंस के बेहतरीन इस्तेमाल से। क्वेश्चन टू, हाउ डज बर्टन रसल प्रूव दैट ऑल फनेटिकल क्रीड्स आर हार्मफुल टू मैनकाइंड। रसल ने कैसे प्रूव किया कि तमाम तर मजहबी फिरके जो हैं वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं? तमाम तर मजहबी फिरके इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं, बर्टन रसल ने इस बात को कैसे प्रूव किया है? लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू रसल, अनदर थिंग विच नीड्स टू बी फिनिश्ड इज फिनेटिसिज्म। रसल कहता है एक और चीज़ जिसको ख़त्म होना चाहिए वो है फिनेटिसिज्म, तासुब। तासुब का मतलब है दूसरे से जेलिसी होना, दूसरे को गलत करार देना और अपने आप को ठीक कहना। अगर दूसरा ठीक है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करना कि ये मुझसे बेहतर क्यों है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, मज़हब के नाम पर। दूसरे को इंसान कत्ल उसी वक्त करता है, मारता उसी वक्त है जब वो उसके बराबर के लॉजिक इकट्ठे नहीं कर सकता। अगर पढ़ी लिखी बात की जाए तो आप एक इलाके में दो टीचर हैं, अगर आप दूसरे टीचर से कम्पीट नहीं कर पा रहे तो फिर आप उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसे लड़ेंगे, उसे मार डालेंगे आप पे, क्योंकि आप उसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये एक एंगल है बात करने का। नो रिलीजन टीच फिनेटिसिज्म, कोई भी मजहब फिनेटिसिज्म नहीं बताता, फिनेटिसिज्म की तलकीन नहीं करता, इन द लीस्ट, कम अज कम। बट सम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन बिकम नैरो माइंडेड, लेकिन कुछ फॉलोअर जो हैं वो नैरो माइंडेड हो जाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं। देखो अब नैरो माइंडेड और ब्रॉड सेंस का एक छोटे से ग्लिम्प्स देखें, झलक देखें। इसी क्लास के अंदर से एक स्कॉलर ने कहा है, मेरे माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए स्कॉलर्स हैं और बाकी सारे आप लोग हैं स्कॉलर, ठीक है। तो इसी क्लास में से एक स्कॉलर ने कहा, मैंने कहा कि वैलेंटाइन डे के ऊपर ये सामने बैनर लगा हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि जी वैलेंटाइन डे ये बेहयाई का दिन है, आओ हया दिन मनाएं, हया डे मनाएं, उन्होंने लिखा। तो यहाँ से बैठे हुए एक स्कॉलर ने कहा, उसने कहा सर वैलेंटाइन डे तो बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, वो तो लोगों के पेयर बनाते थे उनकी शादियों के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनका जो कल्चर था उसके मुताबिक वो उनके साथ मिलन करा देते उनका। अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव बात है। अब वो शख्स, वो स्कॉलर नैरो नहीं है, वो ब्रॉड सोच रहा है। उसने वैलेंटाइन जो शख्स था उसको ये नहीं कहा कि वो खबीस और गंदा था, उसने उसको पॉजिटिव सेंस में ले लिया। और मैंने उसी की बात को आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा हाँ ये जिन्होंने बैनर लगाए हैं हया डे मनाए, इनको पूरे कैंप बना लेने चाहिए थे, ऊपर लिखें कि वैलेंटाइन जो था बहुत अजीम आदमी था, आओ उसकी सुन्नत को पूरा करें। क्या पूरा करें, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं यहाँ आकर निकाह करवा सकते हैं और अपने अपने घर वहीं वहीं रहें, सिर्फ निकाह का एक पेज ले जाए हमसे, कितनी अच्छी बात हो जाती, पॉजिटिव हो जाते ना, नेगेटिविटी खत्म हो जाती। अब सोचने की बात है, वो लवर और बिलवेट जो अपने अपने घर में रहते हैं और मेट भी करते हैं, सेक्स भी करते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो करते हैं ऐसा, अगर उनको निकाह नामा भी दे दे क्या फर्क पड़ता है यार, निकाह है हलाल तो हो गया ना, रहें अपने अपने घर में, चोरी छुप कर डर कर करने की क्या जरूरत है, निकाह नामा उनके पास है, वैसे रहें जैसे रह रहे रहें। तो ये पॉजिटिव बात थी, अब ये नैरो माइंडेडनेस नहीं थी, ये ब्रॉड सेंस में बात थी। जब शादी होने तो निकाह नामा हुआ हुआ है, बस शादी होने बस जहाँ जाके रहना शुरू कर दें, इकट्ठे रहना चाहते एक भाई। शादी का मतलब एक मैं आपको बता दूं, मेरे नज़दीक शादी का मतलब ये कि शादी करने के बाद बिल्कुल इकट्ठे जुड़ के टांग पर टांग चढ़ा के बैठ जाने का नाम है, तो ऐसा नहीं है। शादी लोग करके एक सऊदी अरब में होता है, एक पाकिस्तान में होता है, तो होता नहीं है।
शादी करके क्या दो लोग अपने अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते? रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? शादी का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग लाजमी इकट्ठे रहें। अगर आपके वसाइल आपको ज़्यादा नहीं दे रहे, आपकी स्टडी आपको ज़्यादा नहीं दे रही, आपका रहन सहन आपको ज़्यादा नहीं दे रहा, तो आप कम अज़ कम हराम तो ना करें ना। आप करें तो हलाल जो करते हैं। तो इसमें कौन सी आफत आ गई है? तो चीज़ों को सिर्फ पॉजिटिव लेना है, ब्रॉड सेंस में लेना है। तो फॉलोअर जो होते हैं रिलीजन के, वो नैरो माइंडेड होते हैं। ठीक, सारी दुनिया फ्रेंडशिप कर रही है, यार क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो रही है, फ्रेंडशिप को आप लीगल करो, उसको निकाह दो। निकाह का मतलब क्या है? यही दो दिलों का मिलन, दो दिलों का ऐलान। तो फ्रेंडशिप क्या? एक क्लास में दो लोग होते हैं। मैं अवान टाउन की बात नहीं कर रहा, मैं एलिवेटेड जो बाहर के इलाके हैं, जो गुलबर्ग है, डिफेंस है, वहाँ पर टीचर का जिस दूसरे टीचर के साथ अफेयर है, सारी बस्ती जानती होती है, पूरा कॉलेज जानता होता है। लड़की का जिस लड़के का है, पूरा कॉलेज जानता होता है। तो मेरे नज़दीक तो वो पूरा ऐलान हो चुका है कि फिलहाल लड़की फिलहाल के साथ अटैच है और ये निकाह है पूरा। सिर्फ उसको दो कलमे, वो भी अगर दिल से, वो सच्चे दिल से उसको अपना दोस्त मानता है, निकाह हो गया उनका, क्योंकि ऐलान हो गया है। तो आप सिर्फ लोगों को ये शऊर दे दें कि भाई ये जो फ्रेंडशिप है ये निकाह ही है। आप मेहरबानी किया करें, दो कलमे भी पढ़ लिया करें दो लोगों के सामने। आसान है जी, हराम ज़रूरी करना है, हलाल करके खाओ। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचेगा, ऐसा इसलिए नहीं सोचेगा क्योंकि अगर ये हो गया तो हम बेहतर हो जाएंगे। हम बेहतर नहीं होने चाहिए। हम क्योंकि बेहतर हो गए तो फिर हम किसी के लिए लड़ेंगे नहीं, हम बेवजह लड़ेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, हम पुरसकून ज़िंदगी जीना चाहेंगे। ऐसा कोई नहीं चाहता। जहेज़ की लानत पर आप इतना कुछ देते हैं, आप फ्रेंडशिप को निकाह के अंदर क्यों नहीं ले आते? इसके लिए थोड़ा सा काम कर लें, हज़ारों लोग तैयार हो जाएंगे। आप इतना शऊर दे दें कि जी अपने अपने घरों में जहाँ रहना रहे, जो फ्रेंडशिप करे, समझे कि उसका निकाह हो गया, वो ऐलान भी करे साथ, उसकी बड़ी मेहरबानी। या अपने आईडी कार्ड के ऊपर लिख कर, या नेट पर हमने ये एक साइट बना दी है, यहाँ दोनों लड़की लड़का अपना इंटर कर दे नेम, अगर पुलिस पकड़ भी लेगी कोई बात ऐसी होगी तो वो इंटर करेंगे फौरन जी निकाह शुदा है, इनने पहले से ऐलान किया हुआ है। वेरी सिंपल, इतना मुश्किल क्यों करते हो? लेकिन इंसान की वहशत वाली सोच है ना कि नहीं बस मरना है, पनिशमेंट करनी है, वो चीज़ ये चीज़ नहीं करने देती। चीज़ें आसान हो सकती हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हया भी दे और तमाम लोगों को हलाल करके खाने की तौफीक भी दे। और अगर आपका ऐसा सिस्टम ना हो सके तो यकीन कीजिए आप ऐसा ही करें, अपना निकाह ज़रूर कराएं। भाई छुप के दो लोगों के जमीन आपने निकाह किया हुआ है, दो लोग कल को वो दोस्त आपका दोस्त नहीं रहता, निकाह को उठा के फाड़ डालें। हाँ तो क्या अच्छा भाई, बात ये कहने की तमाशा जरूरी अपना बनाना है। देखो बेटा, शादियां 35 साल की उम्र में हो रही है, 30 साल की, 25 साल की उम्र में, उससे पहले जो मुंह काला करते हैं वो उसका क्या हाल है? हलाल से कैसे करें? वो शख्स आपके साथ नहीं रहेगा तो समझे तलाक होगी आपको। निकाह के फाड़ने का मतलब ये कि तलाक होगी आपको। लेकिन लाजमी अपनी तलाक का ढंडोरा फेरना है दुनिया में। पहले जो लड़की 6 फ्रेंडशिप कर चुकी हो, जो तोड़ चुकी होती है, लड़का भी 6 फ्रेंडशिप करके तोड़ चुका होता है, फिर वो निकाह करने में जाता है, तो क्या पहले जिस 6 के साथ वो रहा है तो क्या वो निकाह नहीं था? वो भी तो निकाह था। हाँ, सेटिस्फाई नहीं हो रहे, डर लग रहा है ना कि हाँ जी वो पिछली चीज टूट गई तो क्या होगा। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हया दे और निकाह करने की तौफीक दे। ओ भाई कहाँ पर थे? फनेटिसिज्म इज एन ईवल और तासब एक बुरी चीज़ है, एंड इट गिव्स बर्थ टू हटर्ड, और ये नफ़रत को बढ़ाती है, एंड स्टॉप्स द वाय ऑफ फ्री थिंकिंग। तासब ये नफ़रत बढ़ाता है और फ्री थिंकिंग को रोकता है, फ्री थिंकिंग को रोकता है। कोई भी मज़हब है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो ज्यू है, कोई भी रिलीजन, वो फ्री थिंकिंग को रोकता है, फ्री थिंकिंग नहीं करने देगा। ठीक है,
जस्ट बिफोर हम फ्री थिंकिंग कर रहे थे, आप रोक रहे थे मुझे, आप कह रहे कि नहीं है फ्री थिंकिंग नहीं हो सकती, आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। जॉर्ज इलियट आई, जब उसने रिलीजन पढ़ा, जॉर्ज इलियट ने बड़े क्वेश्चन रेज कर दिए क्रिश्चियनिटी के ऊपर, उसे गॉड के सामने, गॉड के बारे में क्वेश्चन ऐसे ऐसे रेज किए कि लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा ये क्या कहती है जवाब, उन्होंने कहा ये फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग की इजाजत नहीं है किसी रिलीजन के अंदर। आप नहीं कह सकते गणेश जी जो हैं उनकी नाक बड़ी है और बड़ी गंदी और बड़ी लानती मुंह है उसका, आप नहीं कह सकते उसको। कोई लड़की ये कहे कि हाँ जी, हिंदू लड़की कि हाँ जी गणेश जी देखकर मुझे डर लगता है, भाई तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी फ्री थिंकिंग नहीं करने देनी, ठीक है। चूहा कितना पलीत होता है, गणेश जी इतने मुकद्दस अगर हैं तो वो चूहे पर क्यों बैठे हैं, ये सवाल है। लेकिन ये फ्री थिंकिंग नहीं है, नहीं करने देंगे। रिलीजन से बाहर ठहर कर आप कर सकते हैं, रिलीजन के अंदर ठहर कर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा मज़हब, अच्छा ठीक है जी, वो कहते हैं फ्री थिंकिंग करनी थी तो फिर मज़हब क्यों आया है, ठीक है। इवन द रोमन एम्पायर, यहाँ तक कि रोम की जो हुकूमत थी एंड लेटर क्रिश्चियन वर्ल्ड और बाद की जो क्रिश्चियन दुनिया थी, सफर्ड फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैनेटिसिज्म, वो भी बदतरीन फैनेटिसिज्म से दो चार रही है। यानी कि रोमन भी फैनेटिसिज्म में रहे हैं, क्रिश्चियन भी फैनेटिसिज्म में रहे हैं। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कैथोलिसिज्म, आज की दुनिया में कैथोलिसिज्म, कैथोलिक कौन है, अमेरिकी इंग्लैंड वाले कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं, कैथोलिक चर्च रूम में है। और कैमुनिज्म, ये रूसी कबीला है, रूस के लोगों कहते हैं, कैमुनिस्ट कहते हैं उन्हें। कैथोलिक जो हैं वो गॉड पर यकीन रखते हैं, क्राइस्ट पर यकीन रखते हैं, पोप पर यकीन रखते हैं। जो कैमुनिस्ट हैं वो कैम्युनिटी से निकले हैं, कैम्युनिटी का मतलब सोसाइटी, उनका यकीन सोसाइटी पर होता है, सोसाइटी पर यकीन होता है, वो गॉड पर यकीन नहीं रखते, वो लोगों पर यकीन रखते हैं, लोगों की क्वालिटीज़ पर यकीन रखते हैं, लोगों की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं, लोगों के रहन सहन पर यकीन रखते हैं, उनकी बेहतरी पर यकीन रखते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के होते हैं, वो पीपल्स पार्टी होती है, पीपल्स पार्टी होती है, लोगों की बात करने वाली होती है। तो आप चीज़ें बाद में समझेंगे ऐसा ऐसा, ये सारी आप, फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़ा पोइट गुजरा है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैंने उसको पढ़ा, जब भी पढ़ा नुस्खा हाय वफा, मेरी तो हाय ही निकल जाती है, मैं कह रहा हूँ इतनी गंदी राइटिंग, ये बड़ा राइटर है, ऐसे होते हैं बड़े पोइट। मैं एक साल पहले अपने उस्ताद के साथ बैठा, वो मेरा उस्ताद जो है वो कम्युनिस्ट है, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा जी वो फैज़ अहमद फैज़ तो बहुत पाए का पोइट है। मैंने कहा या अल्लाह खैर, ये कैसी बात कह रहे हैं, और उस्ताद साहब, खैर वो किताब ले आया और उन्होंने मुझे सुनाया, वही गिस्सा पिटा पुराना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने कहा जनाब इसमें क्या ऐसी बात है, मुझे तो कोई अट्रैक्टिव नहीं लगी। उसने कहा फैज़ अहमद फैज़ कम्युनिस्ट था और उस वक्त कम्युनिज्म पाकिस्तान में आ रही थी और पीपल्स पार्टी जन्म ले रही थी, लोग खुश हो गए कि यहाँ भी कम्युनिज्म आ जाएगी और इंसानों की बात होगी, बिलीव नहीं होगा बल्कि इंसानों की बेहतरी पर सारा कुछ होगा मबनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पकड़ धक्कड़ लिया गया और हालात बहुत ख़राब हो गए, तो फिर दोबारा कम्युनिज्म ने एक बार सर उठाया और पाकिस्तान में जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी कम्युनिज्म की उनको खड़ा किया, उन्होंने कहा कि दोबारा एक्टिव हो जाओ एक्टिविस्ट, दोबारा ज्याले तैयार हो जाओ, ये ज्याले रेवोल्यूशनरी नज़रियाती वोट ये सब सारा का सारा कम्युनिज्म है, ठीक है। उनने कहा तैयार हो जाओ, तो फिर लिखा फैज़ अहमद फैज़ ने कम्युनिज्म सिस्टम को लिखा कि ए कम्युनिज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब वो दौर नहीं रहा, मैं उठा था मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, मैं समझा था कम्युनिज्म तू आ जाएगी तो हयात दरख्शां हो जाएगी, अब हम इतने गिर चुके हैं अब दोबारा हमसे वैसी मोहब्बत न मांग। जो इन चीज़ों को समझता है तो वो तो झूम उठता है कि ये इनकलाब कह रहा है, लेकिन हम जैसे दीवाने पागल लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या शेर है, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो अभी
मैं तो नहीं कह रहा वही बेहतरी कर सकता, हमने तो नहीं पहली बात तो ये हमने बात की नहीं है वो हमने कोई और सेंस में बात की है लेकिन ये बात नहीं की हमने ये बात नहीं की कि कम्युनिज्म ही वो बेहतरी की काम कर सकता है। आप ये सोचें कि आपका मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम कहते हैं कि कम्युनिज्म नहीं बेहतरी ला सकती, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी, हमें बाउंडेड कर देगी, जज्बे ख़त्म हो जाएंगे। हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है, हम कहते हैं, हम तो पहली बात कहते ही हैं। और दूसरी बात कि आपने जो कही क्या रिलीजन बेहतरी के लिए नहीं आया था, यस डेफिनेटली आया था। तो रिलीजन तो बहुत सारे आए हैं, एंड पे जो आया वो कह दिया, एंड पर तो मिर्जाइयों का आया है, दल्लों का। मैं तो कह रहा हूँ दल्ले हैं वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आखिर में आया है वो, आप आखिरी की बात कर रहे हो। चलो छोड़ दें भाई, बेटा मेरी बात सुनो, आज बंद कर दे जरा। चलो मेरा बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, क्या लड़ाई करते हैं। अच्छा जी, मुझे बताया भी करो कि मैंने कहाँ से शुरू करी। अच्छा कम्युनिज्म मैं बता रहा था, कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनिज्म रूसी कबीला है, और ये जो कैथोलिसिज्म है ये क्रिश्चियन कबीला है सारा का सारा। हेट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैनेटिसिज्म, तासुब की बेस पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। इफ वी विश टू डिवेलप द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया को डिवेलप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वी मस्ट गिव बर्थ टू अ पार्टिकुलर इंटेलेक्चुअल टेम्पर, तो हमें एक ख़ास किस्म का अकली रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें ख़ास किस्म का अकली रवैया अपनाना पड़ेगा। बाय वे द टू इम्पॉर्टेंट लीडिंग सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके ज़रिए दुनिया के दो बड़े जो सिस्टम हैं, कौन कौन से, एक कम्युनिज्म एंड कैथोलिसिज्म और दूसरा कैथोलिसिज्म, मे फॉरगेट, हो सकता है भूल जाएं, एंड लीव देयर एनिमिटी, और हो सकता है अपनी दुश्मनी भी ख़त्म कर दें। हमारी नज़र में अमेरिका गलत है, हमारी नज़र में पहले रशिया गलत था, कल अगर इन्होंने कोई ऐसी रेवोल्यूशन चलाई तो हमारी नज़र में चाइना गलत हो जाएगा, आज हमारी नज़र में अफगानिस्तान भी गलत है, आज हमारी नज़र में इंडिया भी गलत है, हमें जिस तरह मोड़ देंगे हमारे लिए वो गलत हो जाएगा। और इनकी अगर आपस में दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हम कहाँ के नंबरदार रहेंगे, हम तो साइड पे होंगे और फेंक देंगे हमें कि हाँ जी ये लोग हैं ही गलत, दूसरों के कहे पर चल पड़ते हैं। अपना इकबाल कहता है खुद ही, खुदा खुदा करके इकबाल के मुंह से खुद ही का लफ्ज़ निकला है, जो वहद लफ्ज़ है जो ठीक निकला है। इन प्रेजेंट इरा और मौजूदा दौर में टॉलरेंस इज़ अ क्वालिटी, टॉलरेंस एक ऐसी क्वालिटी है, टॉलरेंस किसे कहते हैं, बर्दाश्त को, दैट इज़ नीडेड। टॉलरेंस का पता है ना बेटा, तब से कर रहे हैं, हाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं ना करो बेटा, हाँ टॉलरेंस एक ऐसी क्वालिटी है दैट इज़ नीडेड फॉर बेटर फ्यूचर, जो बेहतर फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। रसल इज़ ऑफ द व्यू दैट हैप्पीनेस ऑफ द टोटल वर्ल्ड इज़ बेटर, रसल कहता है पूरी दुनिया की खुशियाँ बेहतर हैं देन द इंडिविजुअल हैप्पीनेस, इनफरादी खुशियों की नस्बत, चंद लोगों के पास खुशियाँ हों, बहुत सारे लोगों के पास खुशियाँ ना हों, उन चंद लोगों की खुशियों से बेहतर है कितने बार खुशियाँ हों, बेशक थोड़ी हों, इज्तमाई खुशियाँ हों। एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय ग्रोइंग लव, और इज्तमाई खुशी का फार्मूला हमारे लिए बहुत मुनासिब है, क्योंकि गरीब तो हम हैं, अमेरिका को पैसा तो हमें देना पड़ेगा ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होगी तो हम अमीर होंगे, हम तो पहले से गरीब है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए हमें तो इसकी तायद करनी चाहिए अपने आप को बेहतर करने के लिए।
एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय ग्रोइंग लव, और ये हासिल की जा सकती है। इज्तमाई कलेक्टिव हैप्पीनेस हासिल कैसे होगी? मोहब्बत से, टॉलरेंस से एंड सिंपैथीनेस, और एक दूसरे से हमदर्दी से। हाउ द डेथ विश इज हर्डल इन द वे ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, इंसानी तरक्की की राह में डेथ विश किस तरह खतरनाक है? डिस्कस। रसल स्लू द ब्यूटीफुल थेरीज ऑफ मॉरलिस्ट, रसल ने ज़िबा कर डाली खूबसूरत थेरीज को, नज़रियात को, किसके? मॉरलिस्ट के, वो जो अखलाकियात के मुअल्लिम बने फिरते हैं, उनकी खूबसूरत तरीन थेरीज को उसने ज़िबा कर डाला। प्रीस्ट, पादरियों की खूबसूरत थेरीज को ज़िबा कर डाला। फंडामेंटलिस्ट, वो जो कदीम पुरानी तबीयत के लोग हैं, कदामत परस्त हैं, उनकी भी थेरीज को उसने ज़िबा कर डाला। सेंटिमेंटलिस्ट, और उसने जज्बाती लोगों की थेरीज को भी ज़िबा कर डाला। जब आप जज्बात में होते हैं उस वक्त आप अकल में नहीं होते, जज्बात में आकर आप लोगों के सर फाड़ देते हैं, कतल कर डालते हैं। अकल में जब होते हैं तो आप सोचते हैं आज मैं इसको मारूंगा तो कल ये हमें भी मार सकता है और उसको भी इतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे होती है, मेरे भाई को होती है। तो सेंटीमेंटलिस्ट जो हैं जज्बाती जनूनी जो हैं, उनकी भी खूबसूरत थेरीज को ज़िबा कर डाला। पावर ड्रिंकन, वो जो ताकत के नशे में चूर चूर हैं, उनकी थेरीज भी उसने ज़िबा कर डाली। बाय अगली सेक्स, बदसूरत सच के साथ, उसने जो सच बयान किए हैं वो बदसूरत सच हैं, उनको आप झील नहीं सकते, उठा नहीं सकते, हैं तो वो सच लेकिन बदसूरत है। उसने बदसूरत हकैक के साथ उसने ये खूबसूरत सारी थेरी ज़िबा कर डाली, कत्ल कर डाली। ही सेज दैट, वो कहता है, हैप्पीनेस इज नॉट बेस्ट अचीव्ड बाय दोज, रसल कहता है खुशियां उनसे बेहतरीन तरीके से अचीव नहीं होती, हु सीक इट डायरेक्टली, जो इसे डायरेक्टली हासिल करते हैं। डायरेक्टली हासिल करने का मतलब है अपने लिए खुशियां गेन कर लें, नहीं कोलेक्टिवली गेन करें आप। अगर आप अपने लिए खुशियां गेन करने के पीछे जाएंगे तो आपको गरीब लोग वैसे मार डालेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके सामने है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ था, वहां के फ्यूडल कहते थे खाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो घास खा लो। लोग अमीर लोगों के घर में मौजूद जो कुत्ते थे उनके मुंह से गोश्त छीन के पकाते थे, खाने को कुछ नहीं था। अगर कोई बड़ा आदमी किसी के बच्चे को अपनी बग्घी के नीचे दे देता तो ये जहमत नहीं करता कि उससे सिंपैथी करे, बाहर सिक्का फेंक देता था। और अगर किसी आदमी ने किसी बड़े आदमी को कत्ल कर दिया गुस्से में आकर, तो उस आदमी को उठाकर बस्ती के सबसे सेंट्रल वहद कुएं के ऊपर मरने के लिए लटका दिया जाता, ताकि ना सिर्फ ये मरे बल्कि इसके जिस्म से बहने वाला खून, चीथड़े, ये सारे कुएं में गिरे और कोई पानी भी ना पी सके। और ऐसे जुल्म के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, इनकलाब फ्रांस आया था। तो ये उसी वक्त आता है जब आप डायरेक्टली खुशियां गेन करते हैं, कोलेक्टिवली नहीं सोचते आप। ही हैज अ फर्म बिलीव ऑन स्लो, इसीलिए हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम है, इसीलिए खैरात का सिस्टम है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ही हैज अ फर्म बिलीव ऑन स्लो, उसका मजबूत बिलीव है एस्टरो इनडायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज साइंस पर, इनडायरेक्ट, स्लो और ऑर्गेनाइज साइंस पर उसका यकीन है। जल्दबाजी नहीं, कंपटीशन नहीं, मुकाबला नहीं, तेजी नहीं, स्लो, ऑर्गेनाइज तरीके से। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक साइंस कैन हेल्प अस अलॉट, साइंस हमारी बहुत मदद कर सकती है इन मेकिंग द वर्ल्ड पीसफुल एंड प्रॉस्पीरियस, दुनिया को पीसफुल और प्रॉस्पीरियस बनाने के लिए, प्रॉस्पीरियस बनाने के लिए। He says that there is another thing that stands in the way of human progress. वो कहता है यहाँ एक और चीज़ है जो इंसानी प्रोग्रेस के राह में रुकावट है। It is a death wish. ये है मौत की ख्वाहिश जन्नत के लिए। If we wish to make the world better, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो जाए, we must change this wish for hope and courage. तो हमें इस मौत की ख्वाहिश को बदल देना पड़ेगा किससे? उम्मीद से एंड करेज, और हौसले से। वी मे अवॉइड प्रेजेंट मिथ्स, हमें खूबसूरत मिथ्स पर
अपना बिलीव हटाना पड़ेगा। वो जो क्रिश्चियंस की खूबसूरत लिस्ट हैं कि अगर आप गैर क्रिश्चियन को मार देंगे तो वहाँ जन्नत में जाएंगे, जन्नत बहुत लतीफ़ खूबसूरत है और वहाँ पर हूरें होंगी, वहाँ पर फिलाँ होगा। अगर ये सारी मिथ्स, आपको इस मिथ्स पर यकीन हटाना पड़ेगा। वो कहता है वी मे अवॉइड प्रेजेंट मिथ्स अबाउट एन आइडियल फ्यूचर। हमें आइडियल फ्यूचर के बारे में भी, जो मिथ्स हैं हमारी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, जैसा कि क्रिश्चियन से समझते हैं उन्होंने सलीबी जंगें लड़ी हैं। क्यों लड़ी हैं? इसलिए कि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में क्राइस्ट ही होगा, उसी की इबादत होगी। और जर्मन उठ किया है, उन्होंने कहा वी आर अ चूजन पीपल, हिटलर के साथ पूरी दुनिया पर उन्होंने हमला किया। क्यों? उन्होंने कहा फ्यूचर में हम ही हम होंगे, हमारा नाम ही होगा। तो ये प्लेजेंट मिथ्स हैं अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में इतने बड़े बड़े प्लेजेंट ख्याल नहीं सोचो। और ये भी तो प्रेजेंट मिथ्स हैं कि मरने के बाद हम फिलहाल जन्नत में जाएंगे और उधर ये होगा और हम ही जाएंगे। ये भी तो मिथ्स हैं, क्रिश्चियन सारे सोचते हैं ये। बट वी शुड गिव बर्थ टू राइट अमाउंट ऑफ होप। हमें सही किस्म की उम्मीद पैदा करनी चाहिए इन द वर्ल्ड एट लार्ज। दुनिया में बड़ी सतह पर सही खुशियां और होप पैदा करनी चाहिए दुनिया के लिए। Russell is of the view that we should take interest in the world. Russell का ख्याल ये है कि हमें दुनिया के अंदर interest लेना चाहिए and hope for a long, happy, healthy life. और तवील, happy, healthy life पर यकीन रखना चाहिए। ये question number 3 था। Question number 4. There are certain things which our age needs and certain things that it वुड अवॉइड। यहाँ पर चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है, जिनसे हमें दूर रहना है, और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना है, इख्तियार करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इख्तियार करना पड़ेगा। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रसल्स ऐसे साइंस एंड वैल्यूज। डिस्क्राइब द गुड थिंग्स साइंस कैन इंक्रीज। बताइए वो कौन सी चीज़ें हैं जो साइंस बढ़ा सकती है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो साइंस बढ़ा सकती है, एंड बैड थिंग्स इट कैन डिमिनिश। और कौन सी बुरी चीज़ें हैं जिनको साइंस खत्म कर सकती है। आंसर, रसल सल्यू द ब्यूटीफुल थियरीज ऑफ मॉरलिस्ट, प्रीस्ट, फंडामेंटलिस्ट। और ये सारा पैराग्राफ सेम है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल क्या था? कौन सी चीज़ें छोड़नी हैं और कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, रसल के मुताबिक, आवर एज नीड्स लव। हमारे दौर को ज़रूरत है मोहब्बत की। मोहब्बत तो पाकिस्तानी बहुत करते हैं वैसे। सिंपैथी, हमें हमदर्दी की ज़रूरत है। पोलाइटनेस, और हमें शाइस्तगी की ज़रूरत है। काइंडनेस, हमें रहमदिली की ज़रूरत है। फ्री थिंकिंग, और खुला सोचने की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, वो सुना है ना आपने, लॉर लॉरे लॉर लॉरे, वो कहते हैं इतने मोची दरवाज़ा उसे खुला खाता। फ्री थिंकिंग, खुला। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, हमें ज़रूरत है ज़हनी ईमानदारी की। मैं दोबारा कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ज़हनी ईमानदारी। मोस्टली हिंदू जो हैं ज़हनी ईमानदारी का मुजहरा नहीं करते, क्रिश्चियन नहीं करते, दुनिया के बहुत से लोग ज़हनी ईमानदारी का मुजहरा नहीं करते। अगर ज़हनी ईमानदारी का मुजहरा करें तो ह्यूमनिज्म पैदा होगी, इंसानियत पैदा होगी। होप की ज़रूरत है, करेज टू गो अहेड, जुरत की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। डिज़ायर फॉर नॉलेज, और इल्म हासिल करने की ख्वाहिश की ज़रूरत है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, बाहिमी एतमाद की ज़रूरत है। The things that our age must avoid, वो चीज़ें जो हमारे दौर को छोड़ देनी चाहिए, और death wish, हमें मौत की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए। tyranny, जुल्म छोड़ देना चाहिए। fanaticism, हमें जनून तासुब छोड़ देना चाहिए। rapid increase in population, और population में तेज़ी के साथ जो इजाफा है इसे ख़त्म करना होगा। envy, हसद छोड़नी होगी। greed, लालच छोड़नी होगी। competition, मुकाबला छोड़ना होगा। इरेशनल सब्जेक्टिविटी, गैर अकली जिद छोड़ना होगा।
जब भी कोई शख्स किसी को भी उसके रिलीजन के खिलाफ कहता है तो तन जाता है, खड़ा हो जाता है, जिद कर लेता है, उसकी बात नहीं समझता ना सुनता है, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो। एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, और हमें छोड़ना है ज़हनी डिस्ट्रस्ट, यानी जो गैर एतमादी कैफियत है बिटवीन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान में जो गैर एतमादी कंडीशन है उसे छोड़ना है। व्हाट आर द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस डिस्कस इन द लाइट ऑफ बर्ट्रंड रसल, साइंस के फायदे और नुकसान क्या हैं। रसल थ्रू द ब्यूटीफुल थ्योरीज, सेम पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम, फर्स्टली द अनवाइज यूज ऑफ साइंस कैन गिव बर्थ, पहली बात यह है साइंस का गैर अकली इस्तेमाल ये जन्म दे सकता है, टू ये जन्म दे सकता है एज वेल एज इंक्रीज, ये जन्म भी दे सकता है और बढ़ा भी सकता है, किस चीज़ को? साइंस का गैर अकली इस्तेमाल जन्म भी दे सकता है और बढ़ा है, किस चीज़ को? टायरनी, जुल्म को, मिजरी, दुखों को, पेन एंड हंगर। सेकेंडली, इट कैन गिव बर्थ टू वॉर, ये जंग को जन्म देगा, क्या जन्म देगा? साइंस का गैर अकली इस्तेमाल जन्म देगा, किस चीज़ को? जंग को। एंड प्रोलोंग इट, और जंगों को तवील करेगा, ये क्या तवील करेगा? साइंस का गैर अकली इस्तेमाल, होश में रहे, होश में। विद ड्रेडफुल रिजल्ट फॉर मैन इन जनरल, और इंसान के लिए खौफनाक किस्म के नतायज निकलेंगे। साइंस आल्सो गेव अस मैनी काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, साइंस ने हमें कई तरह के फायदे दिए हैं। साइंस हैज़ इंक्रीज्ड गुड ट्रेडिशंस, साइंस ने अच्छाइयों में इजाफा किया है, अच्छी रिवायात पैदा की हैं। इट कैन फिनिश एंड कंट्रोल डिजीजेस, साइंस जो है ये ख़त्म कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, किसको? बीमारियों को, ईवल्स बुराइयों को, पॉवर्टी गुर्बत को, मैंस आवर ऑफ लेबर, और इंसान के काम करने के घंटों को कम कर सकती है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन को कम कर सकती है। ह्यूमन मिजरी, इंसानी दुखों को कम कर सकती है साइंस। लॉलेसनेस एंड सोशल क्राइम्स को कम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 3 एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ मैन एंड विच ऑफ दीज इज रियली बेनिफिशियल, कौन से रवैये हैं तीन इंसानी सफरिंग के मुतल्लिक, इंसानी दुखों के मुतल्लिक कौन से तीन रवैये हैं, और उन तीन रवैयों में से कौन सा रवैया बेहतर है? कौन कौन से तीन रवैये हैं? एक रवैया है जुल्म करने वाला, दूसरा रवैया है उस पर पिटी करने वाला, तीसरा रवैया है उसका क्योर करने वाला, इलाज करने वाला। रसल स्लू द ब्यूटीफुल थेरीज ऑफ मॉरल्स, सेम पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू रसल देयर आर 3 एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सफरिंग्स ऑफ मैन, रसल के मुताबिक तीन रवैये हैं इंसानी दुखों के बारे में। वन इज द एटीट्यूड ऑफ सैडिस्ट, पहला रवैया है कातिल का, एंड ही मे फाइंड प्लेजर इन सफरिंग ऑफ अदर, और ये कातिल दूसरों को दुख देकर, सफरिंग देकर, मसाइब देकर खुश होता है। सेकेंड इज सेंटिमेंटलिस्ट, दूसरा रवैया रोशन रवैया है, यानी कि जज्बाती रवैया है। एंड ही मे फील सॉरी एट सच सफरिंग्स, और वो ऐसी सफरिंग्स पर क्या करेगा? सॉरी फील करेगा, दुख का इजहार करेगा, जी बड़ा बुरा हुआ है। द थर्ड वन इज अ कंपैशनेट, और तीसरा रवैया जो है कंपैशनेट का है, वो सही राइट काइंड ऑफ हमदर्द है। एंड ही मे ट्रूली ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन, और वो वाकई कोशिश करता है, ट्रूली ट्राई, मसले को समझने की पूरी कोशिश करता है। एंड रिमूव दी सफरिंग्स, और इन सफरिंग को रिमूव करता है, दुखों को रिमूव करने की कोशिश करता है। ही इज इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, ये वाकई अकली तौर पर ईमानदार है। हैज एटीट्यूड इज पॉजिटिव, उसका रवैया पॉजिटिव है।
He tries to understand the reasons of misery. वो मिजरी की, दुखों की वजह तलाश करता है एंड फिनिश इट, और फिर इन दुखों को ख़त्म करता है. रसल प्रीच दैट वी मस्ट हैव दिस सॉल्ड एटीट्यूड. रसल ये कहता है कि उनका तीसरा रवैया होना चाहिए. रसल कहता है लोगों का रवैया कौन सा होना चाहिए, थर्ड कौन सा था, कंपैशनेट, हमदर्द वाला, ऑफ एन. अच्छा जी, रसल पीस दैट वी मस्ट हैव दिस थर्ड एटीट्यूड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एनेस्टी. हमारे पास इंटेलेक्चुअल एनेस्टी वाला रवैया होना चाहिए टू डिवेल्प बेटर कंडीशन इन द वर्ल्ड एट लार्ज, दुनिया के अंदर बेहतर सूरत हाल पैदा करने के लिए. दुनिया में बेहतर सूरत हाल पैदा करने के लिए हमारे पास कंपैशनेट वाला रवैया होना चाहिए, क्योर करने वाला रवैया होना चाहिए. रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं. मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है बहुत पहले, आज से तकरीबन 3 साल पहले लिखी थी शॉर्ट स्टोरी, और वो नेशन न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश भी हुई थी, और उसका नाम टेलीमर था, टेलीमर. ठीक है, उसमें कल जो मैं बता रहा था टेलीमर, उसी के ऊपर थी. तो वो आदमी कह रहा होता है, एक आदमी कह रहा ठहर कर, और उसके सर को देखो, उसे बड़ी ही उलझन होती है कि इसका सर बड़ा गंदा है. क्लास में जब एक्सरसाइज कर रहा होता है, फिर वो उस शख्स के साथ जाता है तो घर में देखता है, उसी घर में लेबॉरेटरी होती है और वो टेलीमर पर तजुर्बात कर रहा होता है, और कहता है कि इससे इंसान की उम्र बढ़ जाएगी. तो उसको शदीद उससे नफरत होती है, और रात को उसके सारी लेबॉरेटरी का सामान तोड़ देता है वो, और फिर घर चला आता है, और डर रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको वो पकड़ा जाए. तो लेकिन वो दिल में बड़ा मुतमईन भी होता है कि उसने एक शैतान की लेबॉरेटरी सारी गलत कर दी है, ख़राब कर दिया, और उस आदमी को उसने नुकसान पहुंचाया, और वो शख्स था ही नफरत अंगेज़, बड़ी बुरी शक्ल वाला था. जब घर अंदर आता है तो उसकी बीवी उसके गले पड़ जाती है और कहे, तुम कहाँ थे, मैं तुम रात सारी कहाँ रहे हो, तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई है. वो अपने वालिद की डेथ पर उसने वालिद को देख रहा होता है, और उससे प्यार का इजहार करता है, और माजी की यादें याद करता है, और कहता है कि अभी तो इसे नहीं मरना चाहिए था. और वो जब उसको दफना रहा होता है तो उसी वक्त वो सोचता है टेलीमार, और स्टोरी फिनिश हो जाती है. ये एडवर्टाइजमेंट है. ओके चलें. Where from I have to study again? Question number 7. How far are Russell's views about world state convincing? Russell के views one world government के बारे में कितने कायल करने वाले हैं, कितने convincing हैं, कितने अच्छे हैं. What are the obstacles in the way of making the world good? क्या obstacles हैं, रुकावटें हैं दुनिया को बेहतर करने में या वर्ल्ड स्टेट बनाने में. डिस्कस व्हाट इज द स्क्रूटनी ऑफ रसल अबाउट वॉर. जंग के बारे में रसल का तज्जिया क्या है. डू यू एग्री विद रसल्स व्यूज दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल अथॉरिटी. क्या आप रसल के व्यूज से मुत्तफिक हैं कि अगर सिंगल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाए, सिंगल गवर्नमेंट बन जाए इन द वर्ल्ड, विल अबॉलिश वॉर, तो इससे जंगे ख़त्म हो जाएंगे. रसल स्लू द ब्यूटिफुल थेरीज ऑफ मॉरलिस्ट. सेम पैराग्राफ. आफ्टर दिस टूडे द डेंजर ऑफ वॉर इज हायर. आज जंगों के खतरात ज़्यादा हैं या जंग ज़्यादा खतरनाक है देन इन एनी अर्लियर सोसाइटी, किसी पिछली सोसाइटी की निस्बत. According to Russell, this danger can be handled through one world government. ये जंग का खतरा टाला जा सकता है one world government के जरिए. And one world government can be established, और one world government established की जा सकती है. If the distrust between the east and west is removed, अगर मशरक और मगरब के दरमियान में जो distrust है उसको ख़त्म किया जा सके. So science can help a lot in the establish of a world state.
तो साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है पूरी दुनिया में एक स्टेट बनाने में. ब्लेसिंग ऑफ साइंस कैन बी एंजॉयड टू देयर फुल एक्सटेंट, और साइंस की रहमतों को एंजॉय किया जा सकता है पूरी तरह से बाय एस्टेब्लिशिंग अ लविंग यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी. अगर हम एक मोहब्बत करने वाली यूनिवर्सल सोसाइटी को तश्कील दे पाते हैं. नाउ लव ऑफ पावर एंड कंपटीशन विल कम टू एन एंड. अब ताकत और कंपटीशन से मोहब्बत खत्म होने को है. फेयर एंड डिस्ट्रस्ट विल डिसअपीयर. खौफ और डिस्ट्रस्ट ये दोनों खत्म हो जाएंगे. जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट इन द वॉर. और जंग के ख़त्म होने से आम प्रॉस्पेरिटी खुशहाली जन्म लेगी. नाउडेज डेमोक्रेसी इज फाइंडिंग रूट्स इन मोर एंड मोर कंट्रीज. आज डेमोक्रेसी नए से नए कंट्रीज के अंदर अपने कदम जमा रही है. द वर्ल्ड इज हेडिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सल रिलेशनशिप. और दुनिया ने यूनिवर्सल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया है. नेट देख लें, यूनिवर्सल रिलेशनशिप बन गया है. हम जब छोटे थे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अंग्रेज़ों से कभी बात भी करेंगे. अब आप तमाम लोग आराम से कर सकते हैं, चाहे वो किसी कंट्री का भी शख्स है. वी शुड होप फॉर द बेटर. हमें बेटर की होप करनी चाहिए. वी शुड ब्रॉडकास्ट एज वेल एज. हमें ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, हमें इस बात को फैलाना चाहिए. किस आइडिया को? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के आइडिया को फैलाना चाहिए. एज वेल एज एक्ट फॉर द अचीवमेंट. और इसके साथ ही हमें अमल करना चाहिए ताकि हम अचीव कर सकें ऑफ दैट गोल, इस गोल को अचीव कर सकें. विच इज आ चेरिश्ड एम. और ये सबसे अच्छा प्यारा खुशगवार एम है. क्या एम खुशगवार है? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए. इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कोई सारे क्वेश्चन ना कर सके तैयार, तो क्वेश्चन नंबर वन, एंड फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, वन फोर, सिक्स एंड सेवन. क्वेश्चन इसमें से कोई भी आ सकता है. आप अप टू डेट अगर उठाकर देखेंगे तो अप टू डेट के अंदर आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हर दफ़ा. रसल एक बड़ा टॉपिक है और मैं कहता हूँ रसल इज इनफ. आपको पता है रसल की डेथ पर क्या हुआ था? रसल ने मरने से पहले वसीयत की थी, विल लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे किसी भी रिलीजियस राइट के तहत दफनाया ना जाए. तो रसल साहब क्या करना है? रसल साहब ने जो विल लिखी है उसके मुताबिक रसल को जलाकर और उसकी राख को पहाड़ पर फेंक दिया गया था. कोई रिलीजियस मजहबी तकरीब नहीं हुई थी उसकी. उसने ये कहा था कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने 97 ईयर्स इस प्लांट पर गुजारे हैं और सेहतमंद गुजारे हैं. और जनाब ने ना सिर्फ सेहतमंद बल्कि वो सूटा भी लगाते थे, सिगरेट भी पीता था, हुक्का टाइप वो पीता था. उसे कोई रिलीजियस अपनी मजहबी तकरीब नहीं कराई अपने डेथ के ऊपर, ठीक है, ताकि लोगों को अकलियत क्या हो तलकीन कर सके और दिखा सके कि ऐसा कुछ नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ताला उसकी रूह को मुसलमान करे. अगर वो कहीं भटक रही है तो अल्लाह ताला उसको कोई, चलो और कुछ नहीं तो किसी कोने में जन्नत के किसी जगह पर, थोड़ा सा जन्नत में अगर टॉयलेट भी तो होंगे, वहाँ उसको जगह दे दो उसकी छत पर, कोई बात नहीं. ठीक, ओके, नाइस, ठीक है.